गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए कोई भी एक होल पार्ट है। होल पार्ट लाइक मैंने एक ये सर्कल बना लिया, हमने इसके कुछ पार्ट्स कर लिए, एक वन के हमने फोर पार्ट्स इसके कर लिए, ठीक है। इसमें से इसके वन पार्ट को मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अब हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ काउंट करेंगे इसके कितने पार्ट्स हैं, तो वन टू थ्री और फोर, फोर पार्ट्स। तो होल पार्ट का मतलब पूरा पार्ट, पूरे पार्ट्स, तो फोर पार्ट्स हैं। अब हमने शेड कितने पार्ट्स किए हैं? ओनली वन, तो वन हम लिख देंगे यहाँ, ठीक। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ किए हैं, ये क्या है? डिवीजन बार और फ्रैक्शन बार, ठीक। इस फ्रैक्शन बार या इस डिवीजन बार के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इस फ्रैक्शन बार के नीचे जो नंबर लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रैक्शन। नीचे होता है होल पार्ट, डिनोमिनेटर में हम होल पार्ट लिखते हैं, और जितने आपसे अगर शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन पूछा है तो शेडेड पोर्शन कितने हैं वो लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाता कि अनशेडेड पोर्शन का आप फ्रैक्शन बताइए, तो क्या होगा? होल पार्ट फोर, अनशेडेड पोर्शन मीन्स कितने पोर्शन शेडेड नहीं हैं, तो वन टू थ्री। तो अनशेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा? 3/4, और शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन।